जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तुला राशि वारो बृहस्पति वार का दिन 2 फरवरी का राशि फल माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैधृती योग अद्रा नक्षत्र में राहु और बुध का प्रभाव। तुला राशि वारो आप बड़े नसीब वाले हैं, इस समय बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर है, राहु की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर है। आपकी कुंडली में इस समय राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और बुध आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में। सप्तम भाव का राहु जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पर है और बुध जो पराक्रम स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है, भाग्य भी आज आपका साथ देगा और आपका व्यक्तित्व आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। व्यक्तित्व से मतलब ये है कि आपके काम करने का ढंग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके संबंध और आपके अंदर जो जुनून है, जो इच्छा शक्ति है, वो आपको बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अद्रा नक्षत्र है, राहु बुध का प्रभाव है, केतु की छाया है, शुक्र चंद्रमा की दृष्टि है। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। आज सर्वा सिद्धि योग भी है और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है, अष्टम भाव में मंगल और भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा है, लग्न में केतु का गोचर है, पराक्रम स्थान में बुध, पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र, सुख स्थान में सूर्य और छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है। यानी तुला राशि वालों के लिए तरक्की के रास्ते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपका उमंग, आपका उत्साह आपके जीवन में बड़ा लाभ देता है, आपके भाग्य को भी चमकाता है, आपके लिए तरक्की का रास्ता भी बनाता है, सुख भी देता है और आपके जीवन में कामयाबी, सफलता, सौभाग्य का सुंदर योग भी बनाता है। ऐसे समय में अगर आप थोड़ा अपने काम पर ध्यान दें, थोड़ा परिश्रम करें तो सच में आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सबसे पहले अपने काम पर फोकस करें। भाग्य आपका अच्छा है, परिश्रम का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अद्रा नक्षत्र का राहु बड़ा शुभ होता है, शनि से भी प्रभावित होता है, शुक्र से भी प्रभावित होता है, बुध से भी प्रभावित होता है। तो शनि और शुक्र पंचम भाव में और बुध आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में, अगर कुंडली को देखें तो राहु की स्थिति बहुत मजबूत है। राहु में बड़ा इच्छा शक्ति होता है, राहु में पराक्रम करने की शक्ति होती है, राहु शुभ स्थिति बना सकता है, उमंग उत्साह को बढ़ाता है और मन के विश्वास को बड़ी ताकत देता है। परिश्रम के बल पर आपकी सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति कर सकता है, सुख आनंद आपके जीवन में बढ़ा सकता है और आपके भाग्य को चमका सकता है। बेहतर समय है, समय का लाभ उठाएं, निश्चित ही आपके जीवन में खुशी भी प्राप्त होगी, धन भी मिलेगा, तरक्की सौभाग्य का सुख भी मिलेगा और जीवन में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर लाभ के अवसर, क्योंकि राहु बुध का प्रभाव है, शुक्र चंद्रमा की दृष्टि है, बेहतर लाभ के अवसर प्राप्त करेंगे, बेहतर परिणाम मिलेगा, बेहतर काम करेंगे और बेहतर फल आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अद्रा नक्षत्र का राहु बड़ा सुखी जीवन देता है। अद्रा नक्षत्र का राहु आपके जीवन में अचानक लाभ और उत्साह को बढ़ाता है, यानी कामयाबी के रास्ते भी खुलते हैं, तरक्की उन्नति भी होती है, सुख धन की प्राप्ति भी होती है और भाग्य भी आपका साथ देता है और आपका सोया व नसीब को जगाने की ताकत भी राहु के अंदर होता है। बड़ा लाभकारी राहु धन लाभ का योग भी बना रहा है, आपके लिए भाग्य को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है और आगे आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग भी आपसे करवा रहा है।
यानी हर तरह से आपके लिए आपकी खुद पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है और मेहनत करते जाना है। परिवार की स्थिति भी सुधरेगी, आपके जीवन में तरक्की भी होगा और आपके जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही है वो दिक्कतें भी समाप्त होगी, बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त करेंगे, प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे, मांगलिक कार्यक्रम होगा, भाग्योदय भी ऐसे समय में हो जाता है, परिवार का माहौल भी खुशनुमा होता है, तो बेहतर समय आपके जीवन में बेहतर लाभ का अवसर दे रहा है। तो बेहतर समय का लाभ उठाएं, अपने जीवन में धन संपत्ति लाभ उपलब्धि की प्राप्ति करें। भाग्य का सितारा तो बुलंद है, आपके जीवन में बड़ा सुख है, सौभाग्य का योग बन रहा है। आज राहु काल 1:56 से 3:18 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:16 राहु का प्रभाव होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 शुक्र की दृष्टि होगी। विजय मुहूर्त 2:24 से 3:07 बुध का प्रभाव होगा, चंद्रमा की दृष्टि होगी। और अमृत काल में राहु का प्रभाव, शुक्र की दृष्टि शाम 7:05 और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में बृहस्पति का प्रभाव होगा। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आया है, लाभ धन सुख की प्राप्ति होगी, बड़े भाग्यशाली बनेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 6 होगा। आज राहु काल 1:56 से 3:18 तो राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। सफलता हासिल करने में कामयाबी मिलेगी, जीवन को नई पहचान मिलेगी, आपकी परेशानी खत्म होगी, बड़े प्रभावशाली बनेंगे, भाग्य आपका अच्छा है, जीवन में सुख कमाएंगे, धन कमाएंगे। बुध और राहु आपकी किस्मत को चमकाएगा, सौभाग्य देगा, समृद्धि देगा, लाभ का सुंदर योग बनाएगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।